हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सबसे पहले तो मेरे को आप बता देना कि आप कौन से एरिया से वीडियो देख रहे हो और आपके यहाँ पे इस टाइम करंट टेम्परेचर कितना चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 50 डिग्री तो टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, हाफ सेंचुरी लग चुकी है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अगर हम इसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो भाई आई डोंट नो आने वाली जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी, राइट। अब इतनी जो भीषण गर्मी होती है ना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेजर दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है भाई। एक तो होती है बिजली की, दूसरी होती है आपके पानी की। मेनली आज बात कर लेते हैं पानी की, क्योंकि अभी रिसेंटली एक क्या हुआ, सर्कुलर जो है निकाला है आपका कहां पे, हरियाणा में गुड़गांव की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां ने निकाला है। अगर आप जो पानी जो सप्लाई होता है पीने वाला, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक के टाइम के बीच में अगर आप उस पानी पीने वाले को गाड़ी धोने के अंदर स्पेसिफिकली यूज करेंगे ना, तो भाई आपके ऊपर सीधा सीधा मोटा मोटा जो है 5,000 रुपए का आपका एक तो जुर्माना लगेगा, और मैं भी शायद आपका जो कनेक्शन है पानी का वो कर सकता है। और अगर आप पानी का कनेक्शन दोबारा कनेक्ट करवाने जाएंगे ना, तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी और देनी पड़ेगी। तो आप खुद सोच के देखो कि ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। हर चीज की जिम्मेदारी हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रशासन पर नहीं डाल सकते। हमारी खुद की अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे पास अगर इतनी लग्जरी दी है भगवान ने, तो हम उस चीज को इतना वेस्ट मत करें। अगर हमारी जरूरत नहीं है तो भाई हम उस चीज को वेस्ट ना करें। आने वाले जो लोग हैं, नई जनरेशन है या जो बेचारे गरीब लोग हैं, या आगे जो इतने, आप खुद सोचो जो हाई रेजिंग सोसाइटी वगैरह होती है, ऐसी जगह पे पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उन लोगों के लिए ये सब चीजें हमें सेव करके रखना जरूरी है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना करें। और ये जो भाई इलीगल तरीके से जो वॉशिंग सेंटर देखे ना, आप देखो कितनी पानी की बर्बादी होती है इन जो 2-3 महीने जो भीषण गर्मी होती है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर अगर थोड़ी बहुत गाड़ी गंदी भी पड़ी होगी तो क्या फर्क पड़ता है। कई लोग तो भैया रोज अपना गाड़ी को धोने लग जाते हैं भाई, लोन वगैरह में इतना पानी वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने घर की रोज सफाई करने में इतना लीटर पानी बहा देते हैं। तो आप लोग प्लीज समझो, समस्या बहुत गंभीर है। अगर आने वाले टाइम में यही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अगर आप स्पेसिफिकली आप गुड़गांव एरिया में रहते हैं तो ये सूचना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं भी शायद अगर यही चलता रहा ना, आने वाले टाइम में पूरा पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ये सब चीजें होनी, ये मतलब मजबूरी हो जाएगी, गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।